जिम्मेदारी को अच्छी तरह और मजबूती से अपने पूरे बिहार में संगठन मजबूत करके उसमें आप दिखाऊंगा। तो उनको लोकसभा में टाइम देना पड़ता है, उनके ही दिशा निर्देश में हम संगठन का काम और मजबूत करें। हम लोग सबको मिला करके, हमारे यहाँ किसी प्रकार की जाति और मजहब की राजनीति नहीं होती, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संगठन को पूरी ताकत और ताकतवर और मजबूत बनाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। लोजपा चिराग पासवान की पार्टी जिस तरीके से बिखरती दिखाई दे रही थी, अब चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से जो टीम है वो तैयार करना शुरू कर दिया है। और उसी कड़ी में राजू तिवारी को प्रदेश कार्यकारी बिहार का बनाया गया। और राजू तिवारी दिल्ली से जब पटना पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा और संगठन को मजबूत करेंगे, एकजुट करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी, जरा आप वो सुनिए। देखिए, जिम्मेदारी मिली है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह और मजबूती से अपने पूरे बिहार में संगठन मजबूत करके उसमें आप दिखाऊंगा। अध्यक्ष होते ही कार्यकारी अध्यक्ष आपको चुना गया है, कचहरे भाई को साइड किया जा रही है, कहा नहीं? ये सब देखिए, ये आप लोगों की बात है। मान लीजिए वो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं हमारे अध्यक्ष जी, और उनको लोकसभा में टाइम देना पड़ता है, उनके ही दिशा निर्देश में हम संगठन का काम और मजबूत करेंगे। देखिए, ये सब आप लोगों की बात है। हम लोग सबको मिला करके, हमारे यहाँ किसी प्रकार की जाति और मजहब की राजनीति नहीं होती। लोक जनशक्ति पार्टी एक परिवार है जिसमें सब जाति सब मजहब का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, जिम्मेदारी दी गई है संगठन? देखिए, पार्टी बड़ी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दिए है, उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संगठन को पूरी ताकत और ताकतवर और मजबूत बनाने का। ठीक है, चलिए। तो आपने सुन लिया, जिस तरीके से लगातार लोजपा में बिखराव दिख रहा था, टूट दिख रही थी, चिराग पासवान उसको लेकर अब एक्टिव हो गए हैं, नए टीम का गठन कर दिया है। हम टीम का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजू तिवारी को बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और दिल्ली से पटना पहुंचे राजू तिवारी, पत्रकारों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दे रहे थे कि लोजपा जो है वो जातीय राजनीति नहीं करती है, तमाम वर्गों के लोगों को साथ में लेकर चलती है और पार्टी को मजबूत करेंगे बिहार में। और जिस तरीके जो जो सवाल उठ रहे हैं कि लोजपा में टूट दिख रही है और कहीं ना कहीं जो लोजपा है वो बिखरती दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एकजुट हैं और जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया जाएगा। खैर, लाइव स्ट्रीम्स के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।